तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं यार। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, राइट, अपने नोट्स बन के एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए तो सही हो जाता है, सॉर्टेड गेम हो जाता है अपना। फिर उसके बाद अपने को केवल और केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करना है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों को सर, देन फिर उसके बाद क्या हो गया इसे, क्या हो गया क्या इसे, हो गया क्या इसे, एक मिनट हाँ, चलो अब ठीक है मेरे हिसाब से। ओ हो, मजा आ गया, क्या बात है सर, मजा आ गया। आओ देखो, लेकिन सर हमें मजा नहीं आ हुआ है, किधर है आप, मैं यहां हूं, एक मिनट रुको, ये लो शेयर कर दिया मैंने और अब आपको भी दिख रहा हूंगा स्क्रीन, ठीक है। चलिए आ जाएंगे फटाफट फटाफट, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। चलो देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे देख अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर, अभी हम लोग यहाँ पे चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आ जाएंगे फटाफट, जो हम लोग कल हम सब लोग ट्रांजैक्शंस को देख रहे थे, कौन से ट्रांजैक्शंस अपने फिनिश ऑफ हो चुके थे मुझे बताइए। सर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस देख चुके थे, यानी कि हम लोगों ने सर ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस देखे थे क्या? हाँ सर, जल्दी से बोलिए मुझे। हाँ सर, हम लोगों ने ये सारी सारी चीज़ें देख लिए थे, बराबर है ना। चलो आओ 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 आ जाओ, ये मत गिर भाई मत गिर, अरे वो ये था ना, चलो ओके दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो फिलहाल हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन को देखने वाले सर, हमने यहाँ पे कंप्लीट ऑफ कर दिया था ट्रांजेक्शन की लिस्ट से रिलेटेड, पीआरआई हो गया, रेप्यूटेड शेयर वाला हो गया, फिर उसके बाद आरआरएफसीओ वाला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, कौन सी चीज से रिलेटेड बोलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चर्चा करेंगे। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग लिखना स्टार्ट करो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर 6। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, इसके अंदर डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स असेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और asset or liability in India of person resident outside India would be capital account transaction would be capital account transaction। हो गया और यहां पे पहला एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम
अथराइज्ड पर्सन, टू और फ्रॉम अथराइज्ड पर्सन. सेकंड सेकंड आरबीआई, आरबीआई हैज पावर टू स्पेसिफाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच आर परमिटेड एंड इन द रेलेवेंट लिमिट्स लिमिट्स कॉमा टर्म्स एंड कंडीशन. उसके बाद RBI in consultation with CG पहला any class or classes of capital account transaction involving debt instrument are permissible. हो गया, जोरदार सर. दूसरा आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से. डेट इंस्ट्रूमेंट दूसरा, लिमिट अप टू विच फॉरेक्स एडमिसिबल. तीसरा कंडीशन मे बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजैक्शन. हो गया, हो गया, बोलो बोलो बोलो. यस, अब लिखो. टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ सी जी, नहीं विथ आर बी आई, चालू करे बोलो. सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई, विथ आरबीआई पहला क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन not involving debt. Second limit up to which forex admissible. और तीसरा एनी
सच कंडीशन, एनी सच कंडीशन, क्या बोला गया यहाँ पे बोलो, एनी सच कंडीशन। उसके बाद ये हुआ थर्ड, थर्ड वाला डिलीटेड है, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ पी आर आई क्या कर सकता है, होल्ड ओन ट्रांसफर या इन्वेस्ट, होल्ड ओन ट्रांसफर या इंटरेस्ट, होटी कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, जो कहाँ पे है, जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, कहाँ है बोलो, आउटसाइड इंडिया, इंडिया। इफ 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 जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, इफ बढ़ू मैं आगे, हाँ सर आ जाओ, इफ सच सच करेंसी सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड, एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड बाय पर्सन व्हेन ही वॉज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और इनहेरिटेड इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। हो गया, हो गया क्या, बताओ मेरे को जल्दी से। अब लिखो यहाँ पे फिफ्थ, फिफ्थ पी आर ओ आई होल्ड ओन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी कॉमा सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। इफ If if the same was acquired, held, owned by such person, by such person when he was PRI or inherited from PRI or inherited from PRI, समझे क्या बात को, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या, जल्दी से बोलेंगे सारे के सारे लोग, देख लो ठीक है।
परफेक्ट है सर। देख लो एक बार इतना आपका हो गया है क्या लिख के। चले बोलो जल्दी से। जाओ चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। अब क्या हम लोग बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे परमिसिबल ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। परमिसिबल ट्रांजैक्शन ये है शेड्यूल वन में और दूसरा है शेड्यूल टू में। ठीक है, एक है शेड्यूल वन में और दूसरा है शेड्यूल, बोलो जल्दी से, दूसरा है शेड्यूल टू में। ठीक है, आ जाओ। सर बुक चाहिए कहाँ से ले? May 24 आपका मतलब? May 24 अभी ढंग से इंस्टीट्यूट ने बेटा पूरी मॉड्यूल नहीं निकाली है, कैसे मैं बुक निकाल दूंगा? आप बताओ मेरे को कैसे पॉसिबल है, आप बताओ क्या है सही में पॉसिबल? आप जो कह रहे हैं वो कहने और सुनने के लिए अच्छा है बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी मिलेंगी, कब मिलेंगी वो चीज़? वो मिलेंगी आपको सेप्टेम्बर एंड तक बुक रिलीज हो जाएंगी सारी, फुल फ्लेज बुक जो बोलते हैं ना, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं, है ना? आओ चलो, आओ ध्यान दो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ May 24 के लिए प्रिपेयर कौन कर रहा है अभी? मतलब May 24 के लिए डायरेक्ट एंट्री वाले एक हो सकते हैं, बाकी उसके अलावा तो अभी फाउंडेशन का रिजल्ट तो आने का ही है ना। आओ मतलब वही वाले प्रिपेयर कर रहे हैं ना। आओ चलो, आओ ध्यान दो। देखो पहला, अच्छा ये जितने भी है ये कौन कर रहा है? PRI वाले ट्रांजेक्शन है। ठीक है, PRI वाले लिखो, इन्वेस्टमेंट इन दूसरा फॉरेन फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड तीसरा ट्रांसफर ऑफ IP यानी कि इमुएबल प्रॉपर्टी उसके बाद चौथा गारंटीज इशूड बाय PRI इन फेवर ऑफ PROI इन फेवर ऑफ PROI फिफ्थ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी/करेंसी नोट्स उसके बाद सिक्स्थ लोन्स एंड ओडी बाय
लोन्स एंड ओडी बाय पीआरआई बाय पीआरआई फ्रॉम पीआरओआई सेवेंथ मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय पी आर आई एट टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय पी आर आई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया ठीक है. नाइन्थ लोन एंड ओडी बाय पी आर आई टू पी आर ओ आई. टेंथ रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट ऑफ पी आर आई. इलेवेंथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. वाह मजा आ गया, क्या लिख दिया मैंने तो खटाखट पूरे. चलो लिखो. हो गया हो तो जल्दी से बता दीजिएगा. डन है पूरा. चलो शेड्यूल टू किसके बारे में बात करता है. अच्छा चलो करें. Investment in India by PROI issue of security by body corporate और एंटिटी इन इंडिया और एंटिटी इन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट बाय पी आर ओ आई इन्वेस्टमेंट बाय पी आर ओ आई ठीक है. दूसरा Investment by way of contribution. Investment by way of contribution by PRI by PROI. किसमें investment ये कर रहे हैं? Capital में
या प्रोपराइटरशिप में या और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया इसको, और एओपी, एओपी ठीक है, इतना लिखें। चलो सेकंड, एक्विजिशन ऑफ आईपी, तीसरा गारंटी बाय पीआरआई, गारंटी बाय पीआरओआई, इन फेवर ऑफ पीआरआई, चलो चले आगे नेक्स्ट स्टेप पे। यस आ जाइए फिर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी या करेंसी नोट्स इनटू स्लैश फ्रॉम इंडिया बाय पी आर ओ आई, ठीक है। फिफ्थ, डिपॉजिट बिटवीन पी आर आई एंड पी आर ओ आई। सिक्स, फॉरेंसी करेंसी, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया बाय पी आर ओ आई। सेवेंथ, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया, इन इंडिया फिर उसके बाद एट्थ, अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? बोलो पट से। यस सर, डन। अच्छा यहाँ पे फिर ट्रांजैक्शन विद नो रिस्ट्रिक्शन, पहला डालू मैं? बोलो ठीक है। अच्छा अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, दूसरा डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हो गया? अरे हुआ क्या? फिर आता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। बोलिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन।
प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन पहला नो पर्सन शैल अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट देखो प्रोवाइडेड दैट पहला पी आर आई में ड्रॉ फ्रॉम अथराइज पर्सन फॉरेक्स नॉट एक्सीडिंग डॉलर ढाई लाख पर फाइनेंशियल ईयर और सच अमाउंट as per RBI बोलो जल्दी से as per RBI ठीक है yes उसके बाद सुनो देखो परमिशन शाल अप्लाई टू दोज ट्रांजैक्शन विच एक्सीड्स लिमिट ऑफ 2.5 लाख लिमिट ऑफ बोलो जल्दी से 2.5 लाख हो गया यस ये TRI के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो रहे थे अब हम लोग बात करेंगे TROI के बारे में ठीक है TROI के बारे में अब चर्चा करेंगे देखो क्या कह रहा है ये prohibited from making investment in India in any form like company slash partnership firm or proprietary concern or any entity which is engaged in
विच इज एंगेज इन, पहला बोलो सबसे पहला क्या आने वाला है, विच इज एंगेज इन के अंदर सबसे पहला बिजनेस ऑफ चिट फंड, बिजनेस ऑफ चिट फंड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट परमिशन बाय एसजी, परमिशन बाय एसजी, दूसरा बैंकिंग चैनल और तीसरा नॉन रिपैट बेसिस, नॉन रिपैट बेसिस, नॉन रिपैट बेसिस। दूसरा निधि कंपनी, तीसरा एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी। चौथा रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, पहला डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, टाउनशिप, दूसरा फ्लैट्स, तीसरा रिट्स, तीसरा रिट्स हुआ, फिर उसके बाद चौथा नहीं ये हुआ, फिर पांचवा आना चाहिए। ठीक है आ जाओ सर, पांचवा कैसे आया सर, ये पांचवा आया, ठीक है TDR इन ट्रेडिंग ऑफ TDR, इन ट्रेडिंग ऑफ TDR हो गया। बोलो जल्दी से, ये दो चीजें, फिर उसके बाद क्या बचा है सर? देखो फिर आता है यहाँ पे, देखो ये दो चीजें हुई ना, ये ए वाला पोर्शन हुआ, ये बी वाला पोर्शन हुआ, अब मैं इसके अंदर सी वाला पोर्शन लिखने जा रहा हूँ, सी वाला पोर्शन, ठीक है आ जाएंगे, ध्यान दे रहा हूँ, बस आखिरी दो पेज अपने को लिखना है, उसके बाद किस्सा खत्म, फिनिश खत्म चैप्टर। हाँ चलो ध्यान दो, नो PR है, शाल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज नॉट परमिसेबल, which is not permissible with any person who is citizen of or a
रेसिडेंट ऑफ कोरिया और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन कोरिया, हो गया? यस। फिर डी existing investment transaction with any person who is citizen of Korea कोरिया बाय PRI नीड टू नहीं ऐसा लिखो फिर शाल बी क्लोज्ड या डिस्पोज्ड विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज from date of notification हो गया? बोलो डन है, सभी लोग बोलो डन है। चलो यहां पे अपना फीमा के पूरे नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है? अब अपन लोग कल से चालू करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स कल डिस्कस करेंगे, दो दिन लगेंगे अपने को क्वेश्चन एंड आंसर्स, या हो सकता है कल ही अपने पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करके हो जाए। फिर नेक्स्ट इससे अपन लोग क्या चालू करने वाले, LLP चालू करने वाले हैं। क्या बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट एवरीवन। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हमारे, ये हमारी अनअकैडमी की अभी वार्म अप बैच चल रही है जिसके अंदर आपको अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, आपको 25% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। पोस्ट रिजल्ट मतलब रिजल्ट के बाद ये जो बैच आने वाली है ना, हो सकता है आप इस बैच को एक्सेस कर पाए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से। और दूसरा, आप मेरे इंडिविजुअल कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यानी कि मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि आप इंडिविजुअल कोर्स का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, केवल और केवल लॉ। बाकी फिर अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेने की इच्छा है, आपको चाहिए कि नहीं सर हम आपसे केवल लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे IGSET इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। Till then, bye bye, take care, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, see you all.